सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, जो कि है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। और आज से हम पढ़ने वाले थे हमारा चैप्टर का टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में हम दो पार्ट पढ़ेंगे। पहले हम प्रीकर्सर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मॉडर्न ह्यूमन बींग्स कैसे, कहाँ से आए, इनके एंसेस्टर कौन थे। ठीक है, एंसेस्टर को अगर हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो बारी बारी कर करके हम टॉपिक अपना क्लियर करते जाएंगे, और जैसे जैसे टॉपिक क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर क्लियर होते जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर आपका ईजिली बनने लगेगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के टोटल SST के सब्जेक्ट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और क्लास 10th का भी मैथ्स भी चल रहा है, होप सो 9th का भी मैथ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और 11th 12th का आपके इस पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी चलेगा, जिसमें हिस्ट्री से अभी हमने स्टार्ट किया है। बहुत जल्द ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो विदाउट लेट लेट्स बिगिन द चैप्टर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको चार फिगर दिख रहे होंगे। ठीक है, इसमें देखिए, नोटिस करिए, इसका ब्रेन साइज, इसका ब्रेन साइज, इसका और इसका, चारों का ब्रेन साइज नोटिस करिए। काफ़ी बड़ा है ये, उससे हल्का छोटा, ये उससे छोटा, ये फाइनली छोटा हो गया। अब टीथ देखिए, टीथ ये बड़ा बड़ा, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फाइनली छोटा हो गया। अब देखिए जॉज, ये जो जबरा है पूरा, ठीक है, ये जबरा देखिए कितना बड़ा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कम होता जा रहा है। मतलब क्या है कहने का, कि जैसे जैसे ह्यूमन की इवोल्यूशन होती गई, जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप होते गया, इसके अंदर जो आपके ब्रेन का साइज था, स्कल का साइज था, वो रिड्यूस होता गया। जॉस का जो साइज था वो रिड्यूस होता गया। टीथ का जो साइज था वो रिड्यूस हो गया। पहले बड़े बड़े टीथ हुआ करते थे, बड़े बड़े जॉस हुआ करते थे, क्योंकि पहले एनिमल खाता था लोग। फिर धीरे धीरे इन सारे टीथ का यूजेस खत्म होते गया, जैसे जैसे हमने क्रॉप्स ग्रो करना सीख लिया, नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दिया, तो वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया टीथ का। ब्रेन कैपेसिटी, पहले थिंकिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो बड़ी बड़ी बुद्धि थी। ठीक है, कहते हैं ना, जिसका बड़ा बुद्धि होता है मंद बुद्धि होता है। ठीक है, तो वही बात है। तो बड़ा बुद्धि था लेकिन उसको दिमाग नहीं था। जैसे जैसे इंसान ने सोचना शुरू किया, वैसे वैसे इसके स्कल का साइज भी रिड्यूस हुआ। तो जैसे जैसे रिडक्शन होते गया, मतलब डेवलपमेंट जैसे जैसे हमारे अंदर होते गया, वैसे वैसे हमारे अपियरेंस में बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो गए। तो देखिए, चार स्कल्स दिया हुआ है। पहला एक एप का है, ये वाला एप का है, सॉरी, ये एप का है। दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है, तीसरा होमो इरेक्टस का है, और चौथा होमो सैपियंस का है, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं। हमारा भी ऐसा ही ना, स्कल साइज हमारा, टीथ ऐसा ही है, जॉ भी ऐसा है, जबरा है ना, और ये होमो इरेक्टस है। मतलब इस टाइम पर लोगों के अंदर सोच चलने की कैपेसिटी आ गई थी, मतलब सीधा चलना शुरू कर दिया था लोगों ने। सबसे पहले लोग एप थे, एप से पहले भी लोग मैमल्स थे, मैमल्स के बाद लोग एप बने। हमारे पास एविडेंस है सिर्फ एप का, तो इसीलिए एप से दिखाया गया यहाँ। तो लोग एप थे, एप से डेवलपमेंट हुआ इनका एस्ट्रालोपिथेकस में। एस्ट्रालोपिथेकस में दो पार्ट में बढ़ जाता है फिर, ठीक है, उसका जेनस, उसका स्पीसीज। उसके बाद देखिए, खैर वो बात की बात है, बाद में उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसके बाद सी नंबर में आ जाता है होमो इरेक्टस आपका। कौन आ जाता है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मतलब सीधा चलने वाला लोग। इस टाइम पर लोग क्या हो गया था, लोगों में डेवलपमेंट हो गई थी बाइपेडलिज्म की। बाइपेडलिज्म मतलब दोनों दो पैर पे चलने वाला। और पहले क्या था, लोग क्वाड्रुपेड्स था, मतलब चार पैर पर चलता था। अब क्या हो गया था, जब यहाँ इस स्टेज तक आया तो बाइपेडलिज्म करने लगा। इन दोनों तक क्वाड्रुपेड था, मतलब चार पैर पर चलता था। अब इन यहाँ से स्टार्ट हो गया दो पैर पर चलना। तो चलना स्टार्ट कर दिया, तो चलने से तो माइंड भी डेवलप होगा, जगह जगह जाएगा, माइंड डेवलप होगा, 10 चीज देखेगा। तो माइंड डेवलप हुआ तो बुद्धि आने लगा, तो बुद्धि वाला आदमी कहला गए हम लोग, यानी कि थिंकिंग या फिर वाइज मैन। ठीक है, टू विच ऑल प्रेजेंटली ह्यूमन बींग्स बिलोंग, जैसे सारे ह्यूमन बींग्स बिलोंग करते हैं आज के टाइम के। तो देखो, यहाँ तक की जो भी बातें थी वो तो मैंने बता दी, कि क्या क्या डिफरेंसेस था। द डिफरेंसेस दैट यू नोटिस इन द स्कल्स शोन इन द इलस्ट्रेशन आर सम ऑफ द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ
रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जितना भी इसकी स्कल में यानी कि इसके खोपड़ी में जो भी चेंजेस दिख रहा है, बड़ा छोटा छोटा एकदम छोटा, तो ये जो चेंजेस दिख रहा है ये डेवलपमेंट के वजह से हुआ। जैसे जैसे इंसान डेवलप होते गया वैसे वैसे इंसान का खोपड़ी भी चेंज होते गया। स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज इनॉर्मसली लॉन्ग एंड समवॉट कॉम्प्लिकेटेड। हमारी उत्पत्ति कैसे हुई काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हिस्ट्री फाइंड करना कहाँ से लोग आया बहुत दिक्कत होगा, 10 जगह से एविडेंसेस लाने पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि देर आर ऑल्सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन एंड न्यू डाटा ऑफन लीड टू अ रिविजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नया डाटा आने के वजह से लोग और ज़्यादा पगला जाता है कि ये क्या हुआ, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो उससे क्या होता है, हमारा मॉडिफिकेशन होता है सोचने में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। मतलब अपना इमेजिनेशन देख कर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपना इमेजिनेशन लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या है कह रहा है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस दीज डेवलपमेंट्स बैक टू बिटवीन 36 से 24 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि कह रहा है कि जो हमको पता चला है कि जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है लोगों, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन में ह्यूमन बनना जो स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, वो स्टार्ट हुआ है 36 से लेकर 24 लाख साल पहले की। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 36 मिलियन में कितना होगा, 360 लाख। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, तो 36 × 1 मिलियन इक्वल्स टू 36 × 10 लाख, यानी कि 36 मिलियन इक्वल्स टू 360 लाख। तो 360 लाख साल पहले का एविडेंसेस मिल गया, सोचो इतना पुराना। ये सब बेकार सी बातें यहाँ पर है बस समझाने के लिए 36 मिलियन ईयर्स अगो को। खैर देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 36 मिलियन ईयर्स अगो पहले सबसे पहला प्राइमेट्स दिखा था। प्राइमेट्स हो गया अफ्रीका एशिया, प्राइमेट्स हो गया एक तरीके का मैमल। ठीक है, मैमल किसको बोलते हैं, जिन एनिमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स होता है उनको मैमल्स बोलते हैं। तो मैमल्स जो थे ना वो 36 मिलियन ईयर्स अगो पहले पाए गए, उनका एविडेंसेस मिला, एविडेंसेस फॉसिल से ही मिलेगा, तो उनका फॉसिल मिला 36 मिलियन साल पहले का, यानी 360 लाख साल पहले का एविडेंस मिला। तो उससे पता चला कि सबसे पहले क्या था, प्राइमेट्स था। उसके बाद 24 मया में एक प्राइमेट्स में भी डेवलपमेंट हुआ और होमिनोइड्स बना। जब 24 मया आया, जब 24 मया आया तो 24 मया में पता चला कि प्राइमेट्स में डेवलपमेंट होकर एक सब ग्रुप बना, उस सब ग्रुप को कहा जाने लगा होमिनोइड्स। तो देखो क्या था कि 36 मया में प्राइमेट्स थे उनमें डेवलपमेंट होकर एक सब ग्रुप बना जिसको होमिनोइड्स कहा। कब, 24 मया में। एविडेंसेस इस टाइम पर मिल रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉपर नहीं कहा जा सकता है हिस्ट्री को, ये एग्जैक्ट डाटा होता है जो भी हमें फॉसिल मिलता है जिस टाइम पर, हम उसके अकॉर्डिंग मैपिंग कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ इस टाइम पर आया होगा, ये चीज़ इस टाइम पर आया होगा, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। तो देखो हमको फॉसिल्स से, उनके एविडेंसेस से बहुत सारे एविडेंसेस मिल सकते हैं, बोन्स वगैरह के फॉसिल्स मिल सकते हैं, केव पेंटिंग्स मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो हमें पता चला कि 36 मिलियन ईयर्स अगो पहले एक मैमल की कैटेगरी हुआ करती थी जहाँ से ह्यूमन की इवोल्यूशन शुरू हुई, तो उस कैटेगरी का नाम था प्राइमेट्स। अब नाम उस टाइम नहीं था, नाम किसने दिया, जो हिस्टोरियन ने उसको सर्च किया, जो आर्कोलॉजिस्ट ने उसको सर्च किया, ठीक है, उन्होंने नाम दिया प्राइमेट्स, नाम दिया उन लोगों को, ठीक है, कि उन लोगों का नाम प्राइमेट्स होगा। उसके बाद 24 मिलियन ईयर्स अगो पहले, अभी से 24 मिलियन ईयर्स अगो हमको क्या मिला, एक सब ग्रुप मिला प्राइमेट्स के अंदर जिसको हमने नाम दे दिया होमिनोइड्स का। इसमें एप्स आते थे तुम्हारे, होमिनोइड्स में कौन आते थे, एप्स आते थे। तो अब देखो यहाँ जो तुमने इस एप्स को देखा था, ए बिलोंग्स टू एन एप, तो ये जो एप था, तो बताओ ये एप कब का होगा, 24 मया का होगा, क्योंकि यहाँ तो साफ लिखा है कि 24 मया में प्राइमेट में एक सब ग्रुप आया था जिसका नाम था होमिनोइड्स, और उस होमिनोइड्स में एप्स भी आते थे। उसके बाद लगभग अभी से लेके 5.6 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 56 लाख साल पहले एविडेंस मिला पहले होमिनिड्स का। किसका, होमिनिड्स का। देखो होमिनोइड्स के अंदर भी एक सब ग्रुप आया, ये होमिनोइड्स के अंदर भी एक सब ग्रुप आया होमिनिड्स का, ठीक है ना। वाइल होमिनिड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम होमिनोइड्स एंड शेयर्ड सर्टेन कॉमन फीचर्स, देयर आर मेजर डिफरेंसेस इज वेल। देखो होमिनिड्स तो आया है होमिनोइड्स से ही, लेकिन होमिनिड्स और होमिनोइड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था, देयर आर मेजर डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था दोनों में। क्या क्या डिफरेंसेस था,
तो होमिनोइड्स हैव अ स्मॉलर ब्रेन। होमिनोइड्स के पास कैसा बुद्धि था, ब्रेन का साइज कैसा था, छोटा था, लेकिन होमिनिड्स के पास बड़ा था। होमिनोइड्स 24 मिलियन ईयर्स अगो पहले आया और होमिनिड्स 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले आया। होमिनोइड्स का स्मॉल ब्रेन था और होमिनिड्स का लार्ज ब्रेन था। होमिनोइड्स चार पैर पर चलता था। होमिनोइड्स कितने पैर पर चलता था, चार पैर पर, क्वाड्रुपेड्स था। और इसका जो फोर लिम्स था वो फ्लेक्सिबल था। फोर लिम्स मतलब आगे का जो हम लोग का हाथ है ना, तो उसको फोर लिम्स कहते हैं। तो उन चार पैरों पर चलता था और उनका हाथ फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल था तभी ना पैर पर लटकते थे वो लोग, फ्लेक्सिबल नहीं रहता तो नहीं लटकते। वही होमिनिड्स को देखो, दो पैर पर चलता था, अपराइट पोस्चर था और बाइपेडल लोकोमोशन, यानी कि ये झुककर नहीं चलता था, ये सीधा खड़ा होकर चलता था और दो पैर पर चलता था, बाइपेडल लोकोमोशन था। देयर आर ऑल्सो मार्क डिफरेंसेज इन द हैंड। अब हाथ में भी डिफरेंसेस था, उसका फ्लेक्सिबल हैंड था और जो होमिनिड्स था जो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले जिसका फॉसिल मिला होमिनिड्स का, उसका हाथ था थोड़ा हार्ड, मतलब टूल्स बनाने लायक। फ्लेक्सिबल होगा तो सॉफ्ट होगा क्योंकि उसको पेड़ पकड़ना है, पेड़ पे लटकना है, लेकिन अब क्या है, पैर पे चलने लगा है, पेड़ पे तो लटकेगा नहीं, तो हाथ भी मजबूत होगा। तो हाथ मजबूत हो गया, हार्ड हुआ तो वो टूल्स बना सकता है ना, विच इनेबल्स द मेकिंग ऑफ यूज एंड यूज ऑफ टूल्स। तो टूल्स मेकर कौन हो गया, टूल्स बनाने वाले सबसे ह्यूमन कैटेगरी में सबसे पहले लोग कौन थे, होमिनिड्स थे। कैसे टूल्स बनाते थे बाद में देखेंगे। तो देखो होमिनिड्स जो है ना, इसका कहा जाता है कि अफ्रीकन ओरिजिन है, अफ्रीकन ओरिजिन है होमिनिड्स का, यानी कि होमिनिड्स का जो इवोल्यूशन हुआ वो अफ्रीका में हुआ। और इस बात का दो प्रूफ मिलता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि अफ्रीका में ही हुआ होमिनिड्स। तो फर्स्ट, इट इज द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स दैट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड्स। जैसे होमिनिड्स दिखते थे ना, वैसे ही अफ्रीका में पाए जाने वाले एप्स दिखते हैं। तो इससे कहा गया कि जो हमारा होमिनिड्स है उसका ओरिजिन, उसका इवोल्यूशन अफ्रीका में हुआ होगा, समझे। और दूसरा, अर्लिएस्ट होमिनिड फिजल्स विच बिलोंग टू द जेनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैव बीन फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका एंड डेट बैक टू अबाउट 5.6 मया। तो देखो, और दूसरा एविडेंस ये है कि जो सबसे पहला फॉसिल भी मिला है ना होमिनिड का, वो भी अफ्रीका में ही मिला है। पहला तो अफ्रीका का जो एप्स है वो होमिनिड की तरह दिखता है, और दूसरा जो अफ्रीका में जो होमिनिड का सबसे पहला फॉसिल मिला है, अर्लिएस्ट होमिनिड फॉसिल, जो सबसे पहला फॉसिल मिला है होमिनिड का, वो भी तुम्हारा अफ्रीका में ही मिला है। तो इन दोनों एविडेंसेस से कहा जाता है कि जो होमिनिड्स है वो अफ्रीका में इवॉल्व हुआ, यानी कि अफ्रीका उसका ओरिजिन है। अब होमिनिड के अंदर एक जेनस आता है, जेनस स्पीसीज क्लास 10th में तो पढ़े ही होंगे। तो होमिनिड के अंदर जो जेनस आता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऊपर में बताया ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में मैंने, जो तुमने ये वाला फिगर देखा था बी वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, है ना। अब देखो उसके बाद, और होमिनिड्स का जो बाकी जो फॉसिल है ना जो अफ्रीका के बाहर मिला, वो मात्र 1.8 मिलियन ईयर्स का था, और जो अफ्रीका में मिला वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो का। इसीलिए कहा जाता है कि जो होमिनिड्स का जो फर्स्ट एविडेंस है ना, मतलब होमिनिड्स कब इवॉल्व हुआ, वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ, क्योंकि सबसे पहला फॉसिल हमको अफ्रीका से उसी टाइम पे मिला। बाकी जगह जो फॉसिल मिला वो तो 1.8 मिलियन ईयर्स अगो का था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इवोल्यूशन दिखाया गया है हैंड का, तो इसको खुद से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कौन चिंपैंजी का हाथ है, टूल्स कैसे पकड़ रहा है, लोग नहीं पकड़ रहा है, पकड़ कैसा है, ठीक है। चलो कोई साइड रीडिंग इसमें, हाँ यहाँ देखो, प्राइमेट्स आर अ सब ग्रुप ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स। मैमल्स के जो सबसे बड़े ग्रुप्स हुआ करते थे ना उस टाइम, उसी को हमने प्राइमेट्स कहा, ठीक है, उनके सब ग्रुप को प्राइमेट कह दिया। ढेर सारे मैमल्स होंगे, मैमल्स में भी कुछ कुछ ग्रुप्स में बटे हुए होंगे, तो उनको प्राइमेट्स कह दिया। अब उसमें कौन कौन आते थे प्राइमेट्स में, दे इंक्लूड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। मंकीज, एप्स और ह्यूमंस आते थे प्राइमेट्स में। उनके दे हैव बॉडी हेयर, पूरे बदन पर बाल हुआ करता था। अ रिलेटिवली लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड फॉलोइंग बर्थ, उनका जो बर्थ गिविंग टाइम था, बच्चा पैदा करने का जो टाइम था, काफ़ी लंबा हुआ करता था। मेमरी ग्लैंड्स था उन्हें, टीथ जो थे अलग अलग तरह के टीथ थे, लंबे छोटे टेढ़े मेढ़े, है ना। एंड एबिलिटी टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर उनका मेंटेन रहता था। तो क्या हो गया, बड़े बड़े बाल बदन पे,
और बर्थ गिविंग टाइम लंबा, मेमोरी ग्लैंड्स, टीथ अलग अलग तरीके के, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की एबिलिटी थी उनमें, किनमें? प्राइमेट्स में। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ना ना ना, अभी इसमें बाकी है। देखो, होमिनिड्स बिलोंग टू अ फैमिली नॉन एज होमिनिडी। अब जो होमिनिड्स है ना, वो एक फैमिली से बिलोंग करता है, उस फैमिली को हम कहते हैं होमिनिडी। फैमिली क्या है, स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, ये हमने पिछले ये हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है क्या है, तो आप गूगल पर सर्च करिएगा, फैमिली जीनस स्पीसीज सबके बारे में बता देगा आपको वहाँ पर, ठीक है ना। यूट्यूब पर सर्च करिएगा, वीडियो मिल जाएगा। तो होमिनिड्स जो है वो होमिनिडी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें सारे ह्यूमन बींग्स आते हैं, जिसमें सारे ह्यूमन बींग्स आते हैं, विच इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स इसमें आते हैं। डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक ऑफ होमिनिड्स इंक्लूड अ लार्जर ब्रेन साइज, अपराइट पोस्चर, बाइपेडल लोकोमोशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या था होमिनिड्स का, कि होमिनिड्स जो थे उनके ब्रेन साइज बड़ा था, यानी कि अब सोचेगा आदमी में तो ब्रेन तो बढ़ेगा ही, बुद्धि होगा तभी ना सोचेगा, बिना बुद्धि के थोड़ी ना सोचेगा। तो ब्रेन साइज बड़े थे, सीधे चलते थे, अपराइट पोस्चर थे इनके, बाइपेडल लोकोमोशन था, दो पैर पर चलते थे, ठीक है। और इनके हाथ जो थे ना, वो स्पेशलाइजेशन थे, मतलब इनके हाथ सॉफ्ट से हार्ड हो चुके थे। जब पेड़ पर ये लटकते थे तो इनके हाथ सॉफ्ट हुआ करते थे, प्राइमेट्स होमिनोइड्स जैसा हमने देखा। लेकिन जब इनका पोस्चर अपराइट हो गया, तब इनका जो हाथ था वो सॉफ्ट से हार्ड हो गया, ताकि ये लोग टूल्स बना सके, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, हैंड का स्पेशलाइजेशन हो गया। होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड टू ब्रांचेस। अब होमिनिड्स भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और एक होमो। देखो, प्राइमेट्स था, प्राइमेट्स के बाद होमिनोइड्स आया, होमिनोइड्स के बाद होमिनिड्स आया, और होमिनिड्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तुम्हारा हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ये दोनों होमो, ठीक है। तो देखो अब क्या है, ईच ऑफ दीज इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीसीज। अब होमिनिड्स का तो दो जेनस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। अब इन दोनों का भी बहुत सारा पार्ट है, जैसे हमने यहाँ देखा ना होमो का पार्ट, देखो दो पार्ट देखा ना होमो का, एक होमो इरेक्टस है, एक होमो सेपियंस है। वैसे ऑस्ट्रेलो का भी बहुत सारा स्पीसीज है, एक होमो हैबिलिस भी आगे पढ़ने को मिलेगा। तो देखो, है तो बहुत सारे स्पीसीज थे इन लोगों के भी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के भी और होमो के भी। मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो रिलेट टू ब्रेन साइज। जो मेन जो डिफरेंस था ना, जो दोनों में, देखो स्पीसीज तो दोनों के बहुत सारे हैं, पहचानने में मुश्किल होगा, तो पहचानने के लिए उनका जो डिफरेंसेस लिया गया, वो डिफरेंसेस लिया गया ब्रेन के बेसिस पर। उनका ब्रेन देखा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास छोटा ब्रेन था, लेकिन होमो के पास बड़ा ब्रेन। और उसके बाद क्या है, देखो, द फॉर्मर हैज ए स्मॉलर ब्रेन साइज, हेवियर जॉज एंड लार्जर टीथ देन द लेटर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास छोटा ब्रेन था, बड़े बड़े जबड़े हुए करते थे और बड़े बड़े टीथ हुआ करते थे। देखो यहाँ पर छोटा ब्रेन है, बड़ा सा जबड़ा है, बड़ा सा दांत है ना। और वहीं जो तुम्हारा होमो है, होमो का बड़ा ब्रेन साइज है, छोटा जबड़ा है और छोटे छोटे दांत हैं। देखो होमिनोइड्स का एक साइड रीडिंग दिया हुआ है कि होमिनोइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज इन अ नंबर ऑफ वेज। बहुत से तरीके से होमिनोइड्स मंकीज से अलग थे, क्योंकि दे हैव अ लार्जर बॉडी एंड डू नॉट हैव अ टेल। उनके पास पूछ नहीं हुआ करता था, बंदरों के पास तो पूछ होता है मंकीज के पास, लेकिन इनके पास पूछ नहीं था। इनका जो बॉडी भी था वो उनसे बड़ा था। बिसाइड्स देर इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट डिपेंडेंसी अमंगस्ट होमिनोइड्स। और इनमें जो गेस्टेशन पीरियड था ना, सॉरी इन्फेंट डेवलपमेंट पीरियड, मतलब जो बच्चे से बड़े होने का जो टाइम था ना, वो ज़्यादा लगता था होमिनोइड्स में, लेकिन एप्स के बच्चे उसके कंपैरिजन में जल्दी बड़े हो जाते थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में डिफरेंसेस समझ में आ गया, होमिनोइड्स क्या था समझ में आ गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं। वर्चुअली ऑल द नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट टू स्पीसीज आर डराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स। तो जितने भी, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जितने भी नाम दिए गए हैं इनको, पहले ऐसा नाम नहीं था। हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे हिस्टोरियंस ने, आर्कोलॉजिस्ट ने ये सब नाम दिया। तो ये सारे नाम जो थे ना, वो लैटिन और ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। लाइक देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब, ऑस्ट्रेल मतलब साउथर्न, यानी कि दक्षिण वाले, ऑस्ट्रेल मतलब साउथर्न, दक्षिण वाले, ये लैटिन वर्ड से लिया गया। और पिथेकोस मतलब ए बंदर, ये लिया गया ग्रीक वर्ड से, ठीक है। तो साउथर्न ए, चूंकि साउथ में ही पहली बार मिला, साउथ अफ्रीका में,
सबसे पहला एविडेंस की ओरिजिन, इसीलिए ना कहा कि होमिनिड्स का ओरिजिन वहां से है, तो वहां से कहा तो उसी पर नाम दे दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सबसे पहले वहां मिला तो साउथर्न, और पिथेकस का मतलब एप, सबसे पहले एविडेंस एप का मिला तो साउथर्न एप ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो ऑस्ट्राल लैटिन वर्ड है और पिथेकस ग्रीक वर्ड। चलो आगे, द नेम वॉज गिवेन बिकॉज दिस अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्टिल रिटेन मेनी फीचर ऑफ एन एप। साउथर्न एप नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये लोग उस टाइम पर भी एप जैसे ही दिखते थे। इनका जो फॉसिल हमें मिला ना, तो एप जैसा ही फॉसिल मिला, ह्यूमन की तरह था लेकिन मैक्सिमम फीचर्स एप की तरह दिखता था उसमें। लाइक उसका छोटा छोटा ब्रेन साइज होमो से छोटा ही था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, इसलिए साउथर्न एप नाम पर इसका। छोटा ब्रेन था, बड़े बड़े दांत थे, और इनका जो हैंड्स था वो फ्लेक्सिबल था, है ना। इनमें अपराइट वॉकिंग नहीं थी क्योंकि पेड़ पर रहता था भैया, पेड़ पर दो पैर पर थोड़ी ना चलेगा, चार पैर पर ही चलेगा, पेड़ पर रहेगा तो, समझ में आया। तो इसलिए इनका नाम साउथर्न एप दे दिया गया। दे रिटेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लॉन्ग फोरलिम्स, लंबे लंबे आगे के हाथ हुआ करते थे मुड़े हुए, और फुट बोन्स एंड मोबाइल एंकल ज्वाइंट्स सूटेड टू लाइफ ऑन ट्रीज। यानी कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था ना कि ये लोग पेड़ पर रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया एप। और सबसे पहले मिले साउथ पार्ट में तो साउथर्न एप। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बदला, टूल मेकिंग पीरियड स्टार्ट हो गया, हैंड का करेक्टर, हैंड का स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हुआ ओवर टाइम एज टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज मेनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो डेवलप। जैसे जैसे टाइम गुजरा ना, वैसे वैसे टूल बनाना शुरू किया लोगों ने, चलना शुरू किया, अपराइट वॉकिंग हो गया था तो लंबे डिस्टेंसेस तक चला, टूल बनाया तो उससे क्या हुआ, पैर भी इनका मजबूत हो गया, हाथ भी मजबूत हो गया, और अब 10 जगह जा रहा है तो 10 चीज देखेगा तो सोचेगा, तो माइंड भी डेवलप हुआ। अब उसके बाद क्या है, सोचेगा तो स्ट्रैटेजी बनाएगा शिकार करने का, हंट करने का, तो हंट करने का स्ट्रैटेजी बनाएगा, मतलब लैंग्वेज का वहां पर डिस्कवरी होगा, आपस में बात करेगा तभी ना स्ट्रैटेजी बनाएगा, जब तक आपस में बात नहीं करेगा कैसे स्ट्रैटेजी बनाएगा। ठीक है, किसी एनिमल को हंट करने का, तो इतना सारा आगे हम देखेंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसी में वो सब बात किए गया है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ चलने के वजह से, टूल बनाने के वजह से। यहाँ पर देखो एक दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का डिस्कवरी कैसे हुआ था ओल्डुवाई जॉर्ज में, तो ओल्डुवाई जॉर्ज में कैसे डिस्कवरी हुआ था ये तुम्हें खुद पढ़ना है, खुद पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सेल्फ रीडिंग चीज़ है, पढ़ लेना खुद से। चलो, द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस हैव बीन क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट स्पेसिस। बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग स्पेसिस में जितने भी डिस्कवरीज होते गए, ह्यूमंस के रिमेन्स मिलते गए, फॉसिल मिलते गए, उनको बहुत सारे अलग अलग स्पेसिस में बांटा गया। दीज आर ऑफन डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बोन स्ट्रक्चर। और बेसिस क्या था इनको अलग अलग स्पेसिस में बांटने का, वो बेसिस था कि इनका बोन स्ट्रक्चर सबका अलग अलग था, बोन स्ट्रक्चर के बेसिस पर अलग अलग स्पेसिस में बांट दिया गया। ठीक है, लाइक देखो, फॉर इंस्टांस स्पीसीज ऑफ अर्ली ह्यूमंस आर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ देयर स्कल साइज। स्कल का जो बोन था अलग अलग था, उस बेसिस पर बांट दिया गया। जबड़े का जो बोन था, हड्डी था, वो अलग अलग था, पहले में जो फॉसिल मिला बाद में जो फॉसिल मिला, दोनों के जो ह्यूमन को कंपेयर किया गया तो पहले का स्कल में अलग साइज था, दूसरे का स्कल का बोन साइज अलग था, पहले का जबड़ा अलग था, दूसरे का जबड़ा अलग था। ठीक है ना, तो इन सारे बेसिस पर ह्यूमंस को अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग जाति में बांट दिया गया। दीज कैरेक्टरिस्टिक में हैव इवॉल्व ड्यू टू व्हाट हैज बीन कॉल्ड, और ये कहा गया कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना जो डेवलप हुआ, कि स्कल बड़ा हो गया, जॉ छोटा हो गया, हाथ हार्ड हो गया, टूल बनाने लायक हो गया, सीधा चलने लगा लो, ये सारा जो हुआ, ये सारा हुआ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। किसके वजह से? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और इसको ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट टू, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के बारे में। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा। फिर कैसे ये लोग खाना ऑब्टेन करता था, कैसे लैंग्वेज डेवलप हुआ, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी आज इतने ही रहने देते हैं, कल के वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। दोनों जो सेल्फ रीडिंग मैंने दिया है आप लोग को, वो पढ़ लीजिएगा एक बार, इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि कल समझाऊंगा क्लास में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।